તરમાં બે ગાર બસ્તા રેડી રહે છે આમ ચુના જને हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर ब्लॉग वीडियो। और हम लोगों को बहुत टेंशन लग गया है, क्योंकि टेंशन लगने का एक कारण है हम लोगों का। और क्या कारण है मालूम है? कि बीवी उधर अपना टेंशन में मर रहा है और मैं इधर मर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को मौसम दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है होगा, क्योंकि अभी उधर आप लोगों को दिख रहे हैं ना, तो वो लाइटिंग आ रहा है। और देखो अभी हम लोगों का टेंशन इसी के कारण से आ रहा है, क्योंकि अभी इधर ना अभी बारिश गिर रहा है फ्रेंड्स। और देख सकते हो मिट्टी में अभी बारिश गिर रहा है। उतना तेज़ी से अभी बारिश आया नहीं है, लेकिन अगर तेज़ी से बारिश आ जाएगा तो हम लोगों का जो घर का जो कंडीशन है बहुत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का टेंशन लगा है, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा ज़ोर से आ जाएगा तो फटाफट जो भी चीज़ है उसको समटाना पड़ेगा। और हम लोग इधर ही बैठा हूँ, और देखो अभी सब काम वाम छोड़ छाड़ के अभी हम लोग बारिश के डर से इधर बैठा हूँ। और देख सकते हो अभी बारिश आ जाएगा ना, तो इधर से जो भी दिख रहे हो ना गैप, उधर से पानी नहीं गिरेगा, इसीलिए हम लोग इधर बैठा हो। और ये वाला घर पे तो ऊपर तो तिरपाल दे दिया, उतना टेंशन नहीं है। फिर भी टेंशन है, अगर हवा आ जाएगा ज़ोर से तो इसका फिर टेंशन है, क्योंकि वो पन्नी फिर वो उसको भगा के लेके ना जाए। और इसके ऊपर बहुत सारा इटकाल भी दे दिया हो, लेकिन उतना डर नहीं है। फिर भी जो भी थोड़ा बहुत डर तो रहना चाहिए। और देखो अभी इधर ये बैठा है, हाँ। और मैं सोच रहा था कि अगर हवा आएगा तो मैं आम चुनने के लिए जाऊँगा, लेकिन हवा नहीं आया, अभी बारिश गिर रहा है। इसीलिए सब जो भी प्लानिंग किया था मैं सब बेकार हो गया। और हवा अगर बहता तो आम भी बहुत गिरता, क्योंकि हम लोगों का इधर का इस बार आम का मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी शुरू से लेके अभी तक का मौसम उतना ख़राब नहीं था। और आम भी ना जैसा बहुत अच्छा फलन आया है, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और मैं तो सोच रहा था कि अगर हवा आ जाएगा तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसा हम लोग का इधर आम कैसा चुनता है। हम लोगों का जो गांव में जो आदमी लोग जो आम चुनने के लिए जाता है कैसा चुनता है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाने का सोच रहा था। लेकिन जो भी प्लानिंग किया था, जो भी सोच के रखा था, लेकिन वो अभी पूरा हुआ नहीं। यार देख सकते हो अभी कितना मोटा मोटा भी बारिश गिर रहा है इधर। और देखो इसके वजह से ना बहुत टेंशन है अपनी को। और देखो अभी इसीलिए हम लोग इधर हूँ। और बारिश के टाइम पे घर भी बहुत ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोगों को ये बारिश के मौसम पे ज़्यादा टेंशन रहता है। और देखो हर एक बंदे का सपना रहता है कि अच्छा घर पे रहूँगा, लेकिन हम लोगों का जो भी है फिर उसी से हम लोगों को गुजारना करना पड़ता है। और जो भी है लेकिन बहुत अच्छा है यार, नसीब में जो है वही ठीक है ना। और अभी देखो कितना ज़ोर ज़ोर से अभी बारिश गिर रहा है, देख सकते हो। और अभी जो बारिश का जो बूंद है ना बहुत मोटा मोटा गिर रहा है फ्रेंड। अब देखने में जाए लगता है कि अगर इस पर खड़ा होऊंगा तो खेत के अंदर चला जाएगा, इतना मोटा मोटा भी गिर रहा है। यार हम लोग के इधर उतना अभी बारिश स्टार्ट हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ही अभी चालू हुआ है, क्योंकि परसों रात पे हुआ था बारिश थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था। लेकिन अभी मौसम भी बहुत ख़राब लग रहा है यार, शायद बहुत बारिश होने वाला है। चलो आप लोगों को मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अरे ये अभी वो कच्चा है इसलिए उसको छोड़ दिया है उधर। और देखो अभी इधर मुर्गी लोग भी बारिश की वजह से उधर अपना जो चूल्हा है उधर बैठा है लोग, सबको छिपने के लिए जगह चाहिए, पानी और आग से सबको डर है। और हवा भी बहना चालू हो गया है, देख सकते हो। और अभी बारिश गिर रहा है और हवा जो बह रहा है इसका जो दोनों का जो कॉकटेल जो मिलावट जो हवा जो आ रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गर्मी और ठंडा दोनों मिक्स आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन अगर ज़ोर से एक बार बारिश आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बारिश ज़ोर से नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अभी आदमी लोगों को डर दिखा रहा है। अरे ये मुर्गी लोगों को देखो, अभी बारिश कम गया है इसीलिए अभी बाहर आ गया ये लोग। और जो आसमान का जो बादल जो है थोड़ा सा मिघला मिघला लग रहा है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में, क्योंकि और आप सब लोग देख ही सकते हो कैसा है बादल। उतना काला नहीं है, कालापन उतना नहीं है, फिर भी जो भी है
उसी से बारिश गिर रहा है और हम लोगों को डर दिखा रहा है ऊपर वाला। और हम लोगों का देखो किचन रूम भी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोगों को डर रहता है। ए मोहम्मद, तोर माँ डाक से लो रे, आम चुन जा भी ना, तोर माँ बैग आर बस्ता रेडी रह गए छे आम चुना जने। हाँ अडगा भी मिट्टी का जो भी धूल था ना सब अभी उबाल इसके बूंद के वजह से सब बैठ गया नीचे, और अभी हवा जितने भी आएगा तो मिट्टी उट्टी नहीं उड़ेगा, बहुत तो अच्छा लग रहा है अभी। जो भी नीचे का जो मिट्टी का जो थोड़ा सा ताप उप जो आता है ना ऊपर, अभी बहुत गर्मी भी लग रहा है फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा बारिश हो जाता तो मिट्टी का जो गर्मी है वो ऊपर नहीं आता, वो पूरा ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी देखो अभी और भी गर्मी लगना स्टार्ट हो गया। और अभी मैं घर के सामने आ गया हूँ और आप सब लोग देख ही सकते हो जो अपना घर से घर के सामने से जो रास्ता गया है ना उधर अभी बारिश गिर रहा है थोड़ा, अभी फिर स्टार्ट हो गया बारिश गिरना बहुत तेज़ी से, तो मैं अभी इधर छिपूंगा। यार बारिश आता है भागता है, आता है भागता है, यार ऐसा कर रहा है यार, अगर बारिश आना है तो ज़ोर से आ जाओ यार, सिर्फ हम लोगों को परेशानी कर रहे हैं। यार आप सब लोग देख सकते हो कैसा भी उधर का ना पूरा भी बंदोबस्त किया हुआ हम लोग, और ये घर पे अगर जोर से बारिश स्टार्ट हो जाएगा तो घर का टेंशन नहीं। और अभी देख सकते हो कैसा बारिश हो रहा है, क्योंकि धूप भी है और बारिश भी गिर रहा है यार, जो बारिश का जो बूंद है कितना मोटा मोटा गिर रहा है अभी। और आप सब लोग देख ही सकते हो जो मिट्टी में जो बूंद गिर रहा है ना कैसा, अभी देखो एक जो बूंद गिर रहा है तो कितना बड़ा बड़ा अभी गिर रहा है यार, आप सब लोग देख ही सकते हो। और अभी बारिश गिर रहा है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है फ्रेंड्स हम लोगों को, और बहुत ख़राब भी लग रहा है यार, आप सब लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स। और हम लोगों का घर में कैसा अभी तिरपाल दे दिया ऊपर, तो घर का उतना टेंशन नहीं है, लेकिन जो बगल वाले में जो भी है ना उस पर बहुत टेंशन है। और अभी धूप और बारिश दोनों ही गिर रहे हैं, और देखो अभी धूप और बारिश दोनों एक साथ पे हो रहा है, और मिट्टी भी सब अभी जो भी मिट्टी धूल था सब अभी पानी जो बारिश के वजह से अभी वो पूरा देखो अभी कैसा हो गया है उसका। आज यहाँ से तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और सब पूरा पूरा जैसा देखने में लग रहा है कि वो शक्कर का चीनी का दाना का जैसा अभी जम गया सब उधर। और अभी रास्ता भी बहुत खाली है आप देख सकते हो, क्योंकि अभी रास्ते पे कोई भी नहीं है। अभी बारिश गिरना थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है, उतना नहीं गिर रहा है, और फिर भी देखो जो रास्ते से जो गर्मी आ रहा है ना, और अभी धूप भी निकल गया ऐसा, अभी देखो यार बहुत अच्छा भी लग रहा है, एक बार धूप आ रहा है एक बार बारिश आ रहा है देखो अभी धूप भी गिर रहा है और बारिश भी गिर रहा है, दोनों साथ पे है। लेकिन बारिश के टाइम पे ये जो टर्निंग जो दिख रही है ना, वो जो सामने जो अपना ट्रैफिक का जो बैरिकेड है वहाँ से बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि जब मिट्टी वाला जो भी गाड़ी उड़ी चलता है तो रास्ते के ऊपर जो मिट्टी उट्टी फेंक के चला जाता है ना, तो उस टाइम पर वो स्लिप होने का भी बहुत चांसेस रहता है, इसीलिए यार डर लगा रहता है फ्रेंड्स हम लोगों को भी। हम लोगों को बारिश के टाइम पर बहुत सावधानी से रहना भी पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो रास्ते के बगल में रह रहा हो ना, तो बहुत सावधानी से हम लोगों को रहना पड़ता है। और देखो अभी ये जो रास्ता भी भीग गया तो पूरा अभी रिक्स भी बन गया, और देखो अभी बहुत तेज़ी से अभी गाड़ी उड़ी भी जाएगा, और देखो तो हम लोगों को हर टाइम थोड़ा बहुत डर लगा रहता है। और धूप निकल गया, और देखो अभी धूप के इधर आया तो गर्मी भी बहुत लगना स्टार्ट हो गया, और घाम भी बहुत निकलने लगा। हाँ थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है, उसमें क्या होएगा यार, देखो धूप भी गिर रहा है ना, इससे क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा यार, जल्दी यार। लेकिन हम लोगों को टेंशन एक ही चीज़ का था, अभी थोड़ा सा टेंशन हम लोगों का ख़त्म हो गया, और देखो अभी बहुत सुकून से भी रहूँगा हम लोग। बारिश अगर ज़ोर से आ जाता तो हम लोगों का टेंशन और भी बढ़ जाता, और घर का पोजिशन भी बहुत हम लोगों का ख़राब है, और बारिश के टाइम पे ये घर पे ना पूरा पानी जम जाता है, और पानी बाहर निकालने का कोई जगह भी नहीं है हम लोगों के। और इधर जब भी पानी उनी जब उटाली के जो
ऊपर से गिरता है ना, इधर बहुत पानी जम जाता है और इसके ऊपर भी आ जाता है फ्रेंड्स, इधर भी पानी उनी आ जाता है ना, तो हम लोगों को फिर पूरा साफ करना पड़ता है। 2 घंटा 2.5 घंटा इसके पीछे लग के रहो, पूरा साफ करो। तो इसीलिए अभी टेंशन थोड़ा सा कम गया, लेकिन देखो अभी टेंशन कम गया है, लेकिन जो टेंशन के वजह से जो देख सकते हो कितना अभी पसीना पसीना छूट गया था, और ये भी देखो अभी टेंशन फ्री हो गया। चलो जाने दो यार, ऊपर वाला जो भी किया अच्छा ही किया है, और ऊपर वाला जो भी करता है सबके लिए अच्छा ही करता है, क्योंकि अभी मेरे लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे के लिए ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि अभी आम का भी सीजन है, और आम जो जो चासी उसी करता है उन लोगों के लिए बारिश का अभी टाइम बहुत ज़रूरी था, तो लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ख़राब हो गया, लेकिन अपने लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना। ऊपर वाला किसी का ना किसी का तो भलाई करता ही यार, अभी देखो ऊपर वाला मेरा भलाई कर दिया तो मैं बहुत अभी खुश हूँ। और अभी जो भी टेंशन था हम लोगों का, टेंशन ख़त्म हो गया, और बारिश के वजह से हम लोगों का बहुत टेंशन लगा था, क्योंकि अपना परिवार में बारिश के वजह से अभी बहुत टेंशन था फ्रेंड्स, और अभी देखो टेंशन अभी पूरा ख़त्म हो ही गया है, और अभी मौसम भी बहुत खाली अभी पूरा साफ है देख सकते हो, और अभी बादल कालापन जो था वो अभी नहीं है, और पूरा अभी साफ हो गया है, और हम लोग का टेंशन भी बहुत अभी मुक्त हो गया है फ्रेंड्स। तो देखो अभी मौसम भी बहुत अभी क्लियर हो गया है, लेकिन अभी जो दिन में जो ताव है, धूप नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ताव है, और गर्मी भी बहुत लग रहा है फ्रेंड्स हम लोगों को। और तो चलो फिर आप लोगों को दूसरा वीडियो में मिलूंगा, तो तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड बाय फ्रेंड्स।